गलती करने से ग्लानी होती है और ग्लानी की दर्द इतनी बढ़ जाती है तो वो गलती छूट जाती है, फिर वो गलती करने नहीं जाते। और जब तक इतनी ग्लानी नहीं होती है, थोड़ी सी ग्लानी होगी तो उसको लेपा पोती करके हम अपनी गलतियों को समझा लेते हैं अपने आप को। हमारी बुद्धि जो है ये जब ठीक नहीं होती है तो गलतियों को भी हम अपना कुछ ना कुछ कारण, कुछ ना कुछ तर्क दे करके उसको सही ठहराने लग जाते हैं। तब वो गलती बनी रहेगी जीवन में, करते रहेंगे। इसीलिए हम कहते धियो यो न प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि ठीक करो भगवान, यही तो प्रार्थना है। बुद्धि ठीक रहे तो ग्लानी होते ही रहेगा। अरे भाई ये ग्लानी ये दुख देने वाली चीज़ है, इससे मुझे हटना, इससे मैं बाहर आ जाऊँ। वो बाहर आ जाएंगे, हम नहीं आते हैं तो खूब मार पीट खा लेंगे, फिर इतना लात खा के लात पड़ेगी जीवन में, और दुखी होके कभी ना कभी तो निकल पड़ेगा। इतना दुखी हो जाते हैं फिर लगेगा अरे भाई नहीं चाहिए मुझे इससे, इससे हटो। इस तरह से हमें आ जाता है। इसलिए ये बीच की अवस्था में थोड़ा सा ऐसा लगता है, हमें लगता है गलती क्यों बार बार करते हैं, उसमें ये भ्रम पैदा करता है, माया ये पैदा कर देती है कि इससे कुछ सुख मिल रहा है या इसके बगैर जीवन नहीं चलेगी और ये हमको चाहिए चाहिए। ये बुद्धि तो कह रही है इसमें तो तुमने बहुत नुकसान पाया, बहुत दुख मिला, ऊपर से कुछ लालच है कि इससे कुछ सुख तो मिल ही ना। तो द्वंद्व, ये लड़ाई चलती रहती है अंदर से, इसमें यही है। देखो बहुत लड़ाई चल, चलो ठीक है कितना गलती करना कर ही लो, तब वहां से तुम एकदम छलांग मार के दूसरे ओर आ जाओ। या बुद्धि ठीक रहे, बुद्धिमान रहे तो खुद की गलती नहीं किसी और की गलती से भी अपना सचेत हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन में ऐसी कहानी है ना, बुद्ध जा रहे थे, सिद्धार्थ जब निकले अपने सारथी के साथ, एक शव की यात्रा चल रही थी, वो देखे पूछे ये क्या शव, सब मर जाते क्या, कैसे होता है लोग मर के ऐसे मर घाट ले जाते। तो बोला बस मैं भी मर गया। किसी बूढ़े व्यक्ति को देखिए कौन है बूढ़ा है, तुरंत ही उनकी बुद्धि में ये झलक हो गया कि अरे मैं भी बूढ़ा हो गया, जीवन निरर्थक है, ये समझ में आ गया। तीक्ष्ण बुद्धि वाले गलतियों को देख के जल्दी समझ लेते हैं। कुछ मंद बुद्धि है, कम बुद्धि है, जैसे कहते हैं ना गाय तो लाठी की शैडो से, उसकी छाया से भागने लग जाते, मर भैंस तो मारो तब भी नहीं करते, उसको दो चार मारना पड़ता है भैंस को, तभी भैंस चलती है आगे। हमारी बुद्धि जितनी मोटी है या तेज है उस पर निर्भर करता है। ऐसे ही आदत भी हमसे छूट जाती है, बुरी आदत। अब ग्लानी होती है कि क्या करें, अरे तभी तो शरणागति हो, तो मन मन में ग्लानी होता है तब समर्पण करो, और समर्पण करते ही तुम्हें फिर अपनी चेतना में एक नई ऊर्जा मिलने लगता है। बार बार समर्पण करते करते फिर आगे बढ़ जाते हैं। आत्म ग्लानी होते ही समर्पण में आओ, और समर्पण और समझ ये दो बात हो जाती है ना, तुम फिर तर जाओगे, तुम मजबूत हो जाओगे, फिर तो कोई चीज तुम्हें रोक नहीं सकती।